हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल सेट स्टडीज में। फ्रेंड्स, घटना चक्र के सीरीज में आज हम लोग तुगलक वंश और सैयद वंश का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो पिछले वीडियो में तुगलक वंश का कुछ प्रश्न रह गए थे, तो उसे इसी वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। और आधुनिक भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास और लुसेंट साइंस करेंट अफेयर्स का वीडियो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह के डेली वीडियो, एजुकेशनल वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। तो चलिए आज की प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन मोहम्मद नुसरत शाह। आंसर सी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी, फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली को छोटे से राज पर शासन किया। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। 1398 में यह आक्रमण किया था। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। आंसर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों को मरम्मत करने और उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अम्बाला जिले में है, से दिल्ली में लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ का महल तथा फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। आंसर बी, फिरोज शाह तुगलक, अनुवाद विभाग। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों को अब फारसी में भी अनुवाद कराया। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के खर्च पर आंसर बी, नहीं सॉरी डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसे कुशल हकीम रखे। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। आंसर डी, नसीरुद्दीन महमूद। तो भारत पे तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद शासनकाल 1394 से 1412 के
काल में 1398 में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था, तो उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिजर खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपर्युक्त समस्त प्रश्न विकल्प गलत है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक दानशाला, खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथिगृह। दारुल शफा, आंसर बी, खैराती अस्पताल। भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492, 1526। आंसर बी, 1398। नीन को उसके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रकनुद्दीन मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो इसे सन वाइज कालानुक्रम करना है। आंसर रकनुद्दीन 1236, मुबारक खां 1316 से 1320 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह 1445 से 1451। तो रकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने राजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक शाह आलम 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंश शासन किया 1414 से 1451, 1413 से 1452, 1414 से 1456, 1411 से 1405। सैयद वंश ने शासन किया। आंसर ए, 1414 से 1451। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, सभी। आंसर डी, सभी। तो भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर की शासक नियुक्त किया था खिजर खां को। खिजर खां की मृत्यु कब हुई थी? 1420, 1421, 1422, 1423। आंसर बी, 1421। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद का स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन आलम शाह, खिजर खां, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मुबारक शाह। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना। आंसर डी, मुबारक शाह। किसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयते आला की उपाधि से ही खुश रखा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलाउद्दीन आलम शाह, खिजर खां, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मुबारक शाह। किसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयते आला की उपाधि से ही खुश रखा? आंसर बी, खिजर खां। खिजर खां। तारीख मुबारकशाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तारीख मुबारकशाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? आंसर सैयद वंश। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो घटना चक्र में
सैयद वंश के बारे में प्रश्न ना के बराबर है। तो सैयद वंश के बारे में हम लोग कुछ अतिरिक्त जान लेते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रयते आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर खां तैमूर लंग का एक सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां का नियमित रूप से तैमूर के एक पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इन्हीं की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद का जो स्थापना है वो उस मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। वो सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया। और अगला हम लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो विजयनगर साम्राज्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा।